दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं और मैं की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, वो बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों, कई लोगों का कहना था कि आप अपना नाम नहीं बताते, तो दोस्तों आज मैं आपको अपना नाम बताने जा रही हूँ। मेरा नाम देवना है। और दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, अपना एड्रेस बताओ, और कुछ भाई कहते हैं कि अपना एड्रेस सेंड नहीं करना और फ़ोन नंबर सेंड नहीं करना। तो दोस्तों, इस चीज़ में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तो वो आप लोग मिलकर आपस में डिसाइड कर लो कि मुझे एड्रेस और नंबर सेंड करना चाहिए या नहीं। जब सब लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी तो मैं ऐसा करूँगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और बतानी थी। जैसे हमारे वो रिलेटिव आए थे, हमें चूल्हा दे के गए थे, तो दोस्तों क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं रहती, आज भी लाइट नहीं है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि लाइट जैसा कुछ लग तो रहा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब वो हमें चूल्हा देने आए थे तो वो एक सेल वाला बल्ब लेके आए थे। तो जब वो चले गए तो हमने देखा कि जिस सामान में बच्चों के लिए वो चॉकलेट और केक लेके आए थे उसमें एक बल्ब था। तो हमने सोचा वो उन्होंने अपने लिए ख़रीदा होगा, तो हमने वो वैसा का वैसे रख दिया कि चलो जब भी बात होगी कभी तो हम वो लौटा देंगे। तो जैसे मैंने कल पता नहीं परसों वीडियो डाली थी जिसमें मयंक की तबीयत की, जिसमें बहुत अंधेरा हो रहा है, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया तो कहते आपने वो बल्ब नहीं लगाया। मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो ये था कि वो आपका है। वो कह रहे कि नहीं, ये तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। मैंने कहा नहीं, हमारे तो चलो बल्ब लग ही रहे हैं। वो कहता है नहीं, वो दूसरा बल्ब है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ लाइट नहीं रहती, अंधेरा हो जाता है और आप अंधेरे में वीडियो बनाते हैं, इसलिए मैंने वो सेल वाला बल्ब आप लोगों के लिए ख़रीदा था, तो आप लोग वो लगा लो। तो दोस्तों आज हमने वो लगा लिया है। मैं फिर से उनका एक बार शुक्रिया करना चाहूँगी, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने हमारी ये समस्या सॉल्व की है, थैंक यू अगेन। और दोस्तों आप बताओ बाकी आप लोग सब कैसे हैं? तो दोस्तों मुझे आप लोगों से एक बात और पूछनी थी, सोच रही मैं पूछूं आप लोगों से या नहीं, क्योंकि मुझे पूछ लेना चाहिए दोस्तों। जैसे हमारे पड़ोस में हमारी ना ताई जी रहती हैं, तो वो जैसे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या वो कहीं जाती है, तो वो मुझे कह के चली जाती है कि उनके पास गाय भैंस है, तो मुझे बोल देती है कि हमारी गाय भैंस पे चारा डाल देना, उनका दूध निकाल देना, गोबर उठा देना, तो दोस्तों मैं और खेतों से घास ले आना। तो दोस्तों मैं ये सब काम कर लेती हूँ और मैं उनके घर चली जाती हूँ ये करने। तो दोस्तों कल भी गई थी मैं, और मैंने सोचा चलो मैं इस पे वीडियो बना लूँ, फिर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए इस टॉपिक पे। तो दोस्तों मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मैं कल भी जाऊँगी वहाँ पर। मेरा मन किया भी था कि चलो मैं यहाँ पर वीडियो बना लूँ, तो फिर बस मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं पहले अपनी ऑडियंस, अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों से पूछूंगी, तब मैं वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में बताना कि मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए वहाँ की वीडियो। मुझे भी आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ कहाँ से हो, क्योंकि क्योंकि मेरा मन है कि कभी ना कभी तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से मिलूँ, कब मिलूंगी कैसे मिलूंगी ये तो अभी भी मुझे अभी नहीं पता मुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रूर मिलूंगी आप लोगों से, मेरा मन है आप लोगों से मिलने का। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ कहाँ से हो। और दोस्तों मेरे ख्याल से कल तक मेरे 5K हो जाएंगे सब्सक्राइब, और देखते हैं कितने होंगे। वैसे तो मुझे उम्मीद पूरी है कि हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है और देते आ रहे हैं अब। और जो भी नए लोग हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और 5K मेरे हो जाएं, संडे तक शायद हो जाएंगे कल तक। तो आप लोगों से बहुत बहुत उम्मीदें हैं मुझे, और हमेशा अपने साथ बनाए रखना दोस्तों, और मुझे हमेशा यूं ही प्यार देते रहना दोस्तों, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि मुझे बहुत हल्का फील होता है जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी हूँ। मुझे अच्छा लगता है, एक मतलब लगता है कि मेरी लाइफ अच्छी है, इसलिए मैं वीडियो डालती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं आप लोगों से पूछती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है, और जब आप लोग मेरे कमेंटों का जवाब देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप मुझे अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, और आप मेरे कमेंट का जवाब दे रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों।
तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बस हमेशा यूं ही साथ बनाए रखना, और जो नए दोस्त हैं नए साथी हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों आज के लिए बस मुझे आपसे यही पूछना था। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, अगर आप कहोगे तो मैं खेतों का व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। दोस्तों बाय दोस्तों।